नहीं बना पाओगे, ना मैं बना दूँ। रहने दो, मुझे मालूम है तुम्हें आर्ट में जीरो मिलता है, मैं कोशिश करके बना लूंगा। कौन करेगा ऐसे भाई की मदद, ये तो सही से रखो ना एकता। अरे नहीं माँ, देखो ना मुझे एकता तस्वीर नहीं दे रही है। माँ मैं खुद देख रही हूँ ना। माँ देखो ना माँ। अरे अरे एकता क्यों झगड़ा कर रही हो? माँ देखो ना, मैं ये तस्वीर बना रहा हूँ और एकता है कि मुझे बनाने ही नहीं देती। माँ आप बताओ ना, ये कौन है माँ, ये किनकी तस्वीर है? हाँ माँ बताइए ना, एकदम चुपचाप आंखें बंद, ये कौन है माँ? ये महावीर स्वामी की तस्वीर है बेटा। इस समय महावीर स्वामी तपस्या की मुद्रा में लीन है। पर इन्होंने तो कोई वस्त्र भी नहीं पहना है। उन्होंने अपना घर परिवार, अपने वस्त्र, राजमहल सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। अच्छा। उनकी माता का नाम त्रिशला था। अच्छा। और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। जब वे पैदा भी न हुए थे उससे 6 मास पूर्व से ही राजा सिद्धार्थ के राज्य में यश की वृद्धि होने लगी थी, समझे ना? तभी उनका नाम सबने वर्धमान रख दिया था। वर्धमान का क्या मतलब है वाह? वर्धमान का अभिप्राय है कि चारों ओर खुशहाली बढ़ना, धन संपन्नता और वैभव का बढ़ना। वे 8 साल के हुए तो वे एक बार बच्चों की टोली में खेलने के लिए गए, तो वहां पर संगम नाम का एक देवता था। उसने सोचा क्यों ना मैं वर्धमान के साहस की परीक्षा लूं, बहुत साहसी कहते थे ना उन्हें सब लोग। अच्छा। तो उसने क्या किया कि एक अजगर का रूप धरा। अच्छा। हाँ, और बच्चों की टोली में जाकर पेड़ के तने से लिपट गया। फिर क्या हुआ? तो और बच्चे तो डर कर 9-2-11 हो गए, लेकिन वर्धमान तो उसके सर्प के सिर पर जाकर खड़े हो गए और खेल खेलने लगे। सच? क्या वर्धमान को एकदम डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, ये देखकर संगम देवता ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया। कंधों पर? हाँ, और वो राजमहल ले गया और उसने उनका नाम महावीर रख दिया। पर मुझे यह बात नहीं समझ में आई कि उन्होंने अपना इतना बड़ा राजमहल, गहने, कपड़े क्यों छोड़ दिए? हाँ भाई, ये तो पूछने की बात है। जब वो छोटे से थे ना, उन्हें जहाँ भी एकांत मिलता बस वो कुछ सोचने लग जाते। वो सोचते कि ये समाज में कोई, देखो, निर्धन है, कोई अमीर है, कोई बहुत खुश है और कोई बहुत दुखी है, तो ऐसा क्यों है? वो तो चाहते थे ना कि सब लोग खुश हो रहे, तो वो इसके लिए एक रास्ता खोजना चाहते थे। फिर क्या किया भगवान महावीर ने? हाँ, फिर जब वे 30 साल के हुए ना, तो उन्होंने अपना गहना और वस्त्र और राजमहल, माता पिता परिवार सबको छोड़कर वन में चले गए। देखो एकता, ये भगवान, देखो इसमें, देखो महावीर स्वामी तपस्या कर रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम होता, वो 12 वर्षों तक मौन रहकर ऐसे ही तपस्या करते रहते। 12 वर्षों तक? हाँ, और उन्होंने इस बीच में अनेकों कष्ट भी सहे। और तुम्हें मालूम है कि महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो वो उन्हें पावापुर नगरी से निर्वाण प्राप्त हुआ था, और यानी उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। आज भी पावापुर नगरी में उनके चरण चिन्ह देखे जा सकते हैं। सच माँ? क्या उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की? हाँ बेटा, उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी, और उसी से तो कुछ अनुभव किया, उसी से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी से सुख का रास्ता मिला, और तभी उन्होंने हम सबको बताया कि चाहे किसी की कैसी भी गलती हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति को पश्चाताप है कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई अब हम आगे गलती नहीं करेंगे, तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही वीरों का आभूषण होता है। एक बार मैं तुम्हें उनके जीवन की घटना बताती हूँ। माँ बताओ ना। देखो ना, हरिकेशवर नाम का एक व्यक्ति था। और देखो इसमें तुम देख रहे हो, वो खटिया बीनने का काम करता है, ये काम करता था। ये देखो चित्र एकता। लेकिन क्या था कि राजगृह के जो निवासी थे ना, वो उसको बड़ा दुत्कारते थे। अच्छा? कोई उसे अपने पास ही नहीं बैठने देता। ये देखो, ये देखो, राजगृह के निवासी जो थे उससे बहुत नफरत करते थे। तो जब ये बात महावीर स्वामी ने सुनी, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वो स्वयं महावीर स्वामी के पास गए,
और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। ये देखो, ये चित्र देखो एकता, देखो अपूर। हाँ। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और सबको बताया कि आपको हरिकेश बल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें किसी की कोई भी चीज जो है वो उससे बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो वो चोरी कहलाती है। भाई देखो, अगर आपको किसी की कोई चीज चाहिए क्लास में ही, अगर आपको किसी की कोई चीज चाहिए तो आप उसे मांग कर ले सकते हो। तुम्हें महावीर भगवान की कहानी से क्या शिक्षा मिली, तुम बताओ एकता पहले। माँ, मुझे महावीर स्वामी की कहानी से यह शिक्षा मिली कि सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और किसी को बेकार में तंग भी नहीं करना चाहिए, वरना उस वक्त व्यक्ति को दुख पहुंचता है। मैंने महावीर भगवान की कहानी से यह सीखा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी चीज बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए, नहीं तो वो चोरी कहलाती है, और सबकी मदद अवश्य करनी चाहिए।